सर्दी का मज़ा अलग है, लेकिन विटामिन सी भी तो पूरा करना है। और ये जो सूरज मेरे सामने है, विटामिन सी की ज़रूरत पूरी कर सकता है? आई डोंट रियली थिंक सो। विटामिन सी की बातें कर रहे थे और अचानक सूरज जो है ना वो जगमगा के चमका है। एनीवे आज सीन कुछ अलग है। सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ एक इंटरव्यू पे, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ऑस्ट्रिया में, एंड लेट्स होप कि अच्छा सा हो जाए और जॉब भी मिल जाए, क्योंकि जॉब के बगैर गुजारा नहीं है किसी भी जगह पे, स्पेशली यहाँ पे। तो विद इन 15 मिनट मुझे अपनी जॉब और इंटरव्यू वाली लोकेशन पे पहुँचना है। सो सी यू देयर। वेल, मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट पहले मुझे धूप की जगह कुछ और मांग लेना चाहिए था, बिकॉज जब से मैंने जिक्र किया विटामिन सी का, तब से इतनी कड़ाके की धूप चमक रही है ना, माशाल्लाह। हफ्ते बाद ही देखिए, 3-4 दिन बाद, लेकिन क्या ही बात है, मतलब पूरा का पूरा विटामिन सी आज ही पूरा हो गया लगता है। ओके, लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ और अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। 10 से 15 मिनट रहते हैं अभी एंटर करने को, दुआ चाहिए। की तो नहीं होगी, ब्लॉग देखे जा रहे हो, दुआ नहीं की होगी। चलो कोई बात नहीं, खैर है। Anyway, now I'm going in and see you after that interview. Okay. All right, तो इंटरव्यू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज टू गुड। इतने कूची मूची गोरे हैं ना, इतने प्यार से समझाते हैं, दिल करता है सारी जिंदगी इनके साथ ही बंदा काम करता रहे। बट आपकी दुआओं का शुक्रिया जो आपने की नहीं है, बट जो की हैं उनके लिए भी शुक्रिया। बट नाउ आई हैव ऑलमोस्ट दो वीक्स हैं मेरे पास इंजॉय करने के लिए। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और उनका कोट, काम काम और काम, बस। ओके, सो पेट्रोल वगैरह डलवा लिया हमने और अभी हम जा रहे हैं एम्स्टेटन। एक करीबी हमारा कस्बा है, वहाँ पे जाके हम बनवाएंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज भी अपॉइंटमेंट में उन्होंने यही कहा कि बैंक अकाउंट मस्ट है जितना जल्दी हो सके। सो हमारी तरमीन भी है, तरमीन कहते हैं अपॉइंटमेंट को। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन और बाकी सीन वहाँ दिखाते हैं आपको। फुल टाइम ऑन द वर्ज ऑफ दोनाव रिवर। ओके, बात हो रही थी विटामिन सी की, जो कि मुयस्सर नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे लाइक गुजारा कर ही लूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मुझे इतनी सर्दी लगती थी, घर के अंदर बैठ के मैंने जर्सी वगैरह पहनी होती थी। लेकिन इवन दो क्या टेम्परेचर तकरीबन 1°C, लेकिन फिर भी ठंड नहीं लगी। शर्ट कोट पहना हुआ लेकिन उतनी वो कानों में, और पता नहीं क्यों वो ठंड लग नहीं रही। लगता है मैं थोड़ा कंपेटिबल हो चुका हूँ इस नेचर के साथ। इवन दो कि मैं अभी बिल्कुल दरिया के किनारे खड़ा हूँ, लेकिन हवा भी लग रही है लेकिन सर्दी नहीं लग रही। सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। ऑलराइट, सो हम स्टेशन शहर में पहुंच चुके हैं कस्बे में, और यहाँ तो हालात कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। काफ़ी क्रिसमस की वजह से काफ़ी रौनक शौनक लगेंगे, मतलब लेट्स सी जिस काम के लिए हैं वो होता है नहीं होता। One hour later. I don't know what, but आज का दिन बड़े ही यूनिक किस्म का है, क्योंकि जिस किस्म के काम को भी हाथ डाला है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता जा रहा है। अकाउंट भी बन गया और उससे पहले मैं किधर गया था जो भी भूल जाता हूँ यार। तो सीन हैवी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जॉब इंटरव्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का दिन थोड़ा सा लकी चल रहा है मेरे लिए। एनीवे, क्रिसमस की तैयारियाँ थोड़ी थोड़ी रूज पकड़ने लग गई हैं। हम स्टेशन में थोड़ा सा जो है ना वो शोगल मेला स्टार्ट हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। ओके जी, तो लकी दिन का अहतमाम करने लगा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दिन गुजरा है, बहुत सारी कामयाबियाँ मिल गई हैं छोटी छोटी। और नाउ वी आर लीविंग टू होम, एंड रस्ते में कुछ नज़ारे हैं क्रिसमस के, वो मैं आपको दिखाऊँगा। बट सी यू नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।